अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आर यू रेडी विद योर साइंस बुक? ओपन पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 6, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. द ऑब्जेक्टिव फॉर आवर टूडेज लेक्चर आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक व्हाई एंड हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Students, do you know what are animals? Yes, animals जानवर को कहते हैं. Animals play a very important role in our life. जानवर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. Animals are found in various places. जानवर मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं. Some animals live on land. कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, जैसा कि डॉग, कैट, रैट, लाइन, एलिफेंट एंड सो मैनी अदर एनिमल्स. सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं. सम लाइक डॉल्फिन, स्टार, वेल एंड ऑक्टोपस एंड अदर्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. और कुछ जानवर ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, जैसा कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड सो मैनी अदर एनिमल्स. किड्स, द एनिमल किंगडम इज़ वेरी लार्ज. बच्चों, जानवरों की दुनिया बहुत बड़ी है. इट हैज़ वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स. इसमें कुछ छोटे साइज़ के जानवर पाए जाते हैं और कुछ बड़े साइज़ के. सम एनिमल्स कैन फ्लाई इन द एयर, कुछ जानवर हवा में उड़ सकते हैं, जैसा कि स्पैरो, बटरफ्लाइज एंड सो मैनी अदर ब्यूटिफुल बर्ड्स. बट द वर्ल्ड वुड बी इफ देर आर नो एनिमल्स. बच्चों, इमेजिन करो क्या होता अगर दुनिया में जानवर ना होते तो. देन नो बर्ड सिंगिंग, नो हनी बी, नो फिश इन द पॉन्ड्स, नो बटरफ्लाइज, नो डॉग, नो कैट एंड नो हैन. आवर वर्ल्ड वुड बी एम्प्टी विदाउट एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड ईटिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट. माहौल के मुताबिक जानवरों की जिस्मानी साख्त और खाने की मुख्तलिफ अदात हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि मछली पानी में रहती है और पानी से ही अपनी खुराक लेती है, और लाइन ज़मीन पर रहता है और ज़मीन से ही अपनी खुराक लेता है. इन दोनों जानवरों की और बाकी बहुत सारे जानवरों की बॉडी स्ट्रक्चर और ईटिंग हैबिट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. मतलब कि जानवर दिखने में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनकी खुराक भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है. These adaptations enable them to survive in their surroundings. यही अदात इनको इनके माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाती हैं. Students, do you know a giraffe with the help of its long neck can eat the leaves of tall plant? जिराफ अपनी लंबी गर्दन की वजह से लंबे दरख्तों के पत्तों को खा सकता है. And an elephant eat leaves using its trunk, or elephant अपनी सूंड के ज़रिए से पत्तों को खाता है. स्टूडेंट्स, एनिमल आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. जानवर हमारे कुदरती वसाइल हैं. एज वी ईट मीट ऑफ मैनी एनिमल्स, जैसे कि हम बहुत सारे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि काओ, गोट, चिकन. सम फॉर्म एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ जानवर हमें दूध देते हैं, जैसा कि काओ, गोट, बफलो. वी कीप सम एनिमल्स एज पेट्स, कुछ जानवरों को हम पेट के तौर पर रखते हैं. हनी बी गिव अस हनी, शहद की मक्खी हमें शहद देती है. सो एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, वी शुड प्रोटेक्ट देम. हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए. एंड सी दैट दे आर नॉट किल्ड, दे नीड आवर लव एंड केयर, उन्हें हमारी मोहब्बत और देखभाल की ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर द डे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.